होली पर झनक करेगी भांग के नशे में अनिरुद्ध से सबके सामने इसे आरजी है दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सब होली सेलिब्रेट करते नजर आएंगे और झनक जो कि भांग के नशे में होगी अनिरुद्ध उसे काफी रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन देखने को मिलने वाला है ये सृष्टि की साजिश होती है ये भांग पिलाने वाली। और देखने को मिलता है कि झनक पूरी नशे में धुत नजर आती है। भांग का नशा उस पर ऐसे चढ़ चुका होता है कि दिल की बातें सारी सबके सामने आ जाएगी। झनक यहाँ पर जो म्यूजिक बज रहा होता है वहां से माइक उठाती है और सबके सामने अनिरुद्ध का धन्यवाद करते नजर आती है कि उसके लिए उसने जो भी किया है उसके लिए वो हमेशा उसके एहसानमंद रहेगी और उसे ये भी नहीं एहसास कि वो कब उससे प्यार करने लगी है। कहीं ना कहीं वो अनिरुद्ध के साथ ही रहना चाहती है, वो उससे दूर नहीं जाना चाहती और वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी आगे गुजारना चाहती है। वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती और उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है शादी का, क्योंकि भाई अनिरुद्ध उसे बहुत चिढ़ा रहा होता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है अपनी शादी की। लेकिन यहाँ पर झनक पूरी भड़ास निकालती नजर आती है जिसमें अनिरुद्ध के लिए वो प्यार और उसकी शादी क्या मायने रखती है। वो सब कुछ अपने दिल की भड़ास वो भांग के नशे के जरिए खोल देती है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और शॉर्ट ऑन कहते हैं कि चलो फाइनली अब जो तुम होश पे नहीं कह पाती तुम बिना होश के कह पा रही हो। अनिरुद्ध उसे चुप करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और झनक सबके सामने अनिरुद्ध के लिए गाना भी गा देती है जिसके बाद तो सृष्टि और अशी बुरी तरह से जल बन जाते हैं।